मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 18 वर्षों से कारागार में हैं। बिना सजा हुए भी तो एक आजीवन कारावास के बराबर वो सजा काट चुके हैं। अब बहुत से लोग परेशान हैं, हम लोगों को भी पकड़ के सड़क पे कह रहे हैं लोग, भैया ये तो 7 साल, 5 12 साल, 3 18 साल, 10 28 साल। हमने कहा नहीं, ये मुकदमों के सज़ा और ट्रायल का ये सिस्टम नहीं है, ये सारी सज़ाएं सब जिस दिन अनाउंस हो गया उस दिन से ही काउंट होने लगती है। और उसमें ये भी काउंट किया जाता है कि इस मुकदमे में कितने दिन पहले वो रह चुका है, उसको भी काउंट कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ वहाँ जो मुकदमे में, जिन मुकदमों में सजा हुई है, जितने जितने दिन की हुई है उससे ज़्यादा ज़्यादा दिन से उन मुकदमों में वो जेल में है। और यहाँ भी कुछ ना कुछ दिन जरूर रहे होंगे। एक सवाल, मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने सजा सुनाई, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं सर? हालांकि देखिए, कोर्ट के फैसले को नजरिए में तौलना मुनासिब नहीं होता। कोर्ट का एक फैसला है, मैंने अभी पढ़ा नहीं, देखूंगा। इस कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो इसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हम इतना आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 18 वर्षों से कारागार में हैं। बिना सजा हुए भी तो एक आजीवन कारावास के बराबर वो सजा काट चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इस केस में जो गैंगस्टर का केस है, इसमें मैक्सिमम 10 साल की सज़ा जो हो सकती थी वो यहाँ के न्यायालय ने दिया है। अब उनका विवेक, जो पत्रावली पे उनके साथ साक्ष्य थे उसके हिसाब से अब इसको माननीय उच्च न्यायालय में जब चुनौती है। देखिए एक बात बताएं, ऐसी परिस्थितियाँ एक बार 2002-03 में उत्पन्न हुई थी, तब मुख्तार अंसारी के विरुद्ध टांडा कोर्ट दिल्ली में जस्ट थे उस वक्त ढींगरा साहब, बड़े मशहूर जज हुआ करते थे, उन्होंने इसी तरह से 10 साल की सज़ा मुख्तार अंसारी को टांडा में दी थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस सज़ा के आदेश को चुनौती दी गई थी, क्योंकि टांडा हाईकोर्ट में नहीं उसको चुनौती, उस वो हाईकोर्ट के पैरेलल उसके भी हाफ पे ये कोर्ट होती थी, स्पेशल कोर्ट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मुद्दा भी अजीब तरह का है। यहाँ जो मुद्दा था उनके वकीलों ने जो उठाया, वो ये उठाया कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986, इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि ये पुलिस जब किसी के विरुद्ध कायम करती है तो साथ ही साथ वो डीएम से उसका अप्रूवल लेती है, और डीएम से अप्रूवल लेने के बाद किसी के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा कायम होता है, और फिर उसका उसकी जब चार्जशीट देती है तब डीएम से अप्रूवल ले लेती है। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर वाले केस में इतना तो स्पष्ट है कि अप्रूवल डीएम से नहीं लिया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे जब उन लोगों ने ये दरखास्त डाली कि अप्रूवल के बगैर ये केस हमारे विरुद्ध कैसे चलाया जाए, तो यहाँ न्यायालय ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, वो लोग हाईकोर्ट चले गए। अब ये लीगल इशू डिसाइड होना था 16 तारीख को, और एक दिन पहले यहाँ 15 तारीख में डिसाइड हो गया, तो वो रिट जो गए थे ये वो इन्फेक्चुअस हो गई, लेकिन वो विषय डिसाइड नहीं हो सका, वो लीगल इशू डिसाइड नहीं हो सका कि जिसमें बिना अप्रूवल के भी चलाया जा सकता था केस कि नहीं चलाया जा सकता था, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यही सेम बिंदु था सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने भी जो ढींगरा साहब ने जो सजा दी थी 10 साल की, उसमें एक ही विषय चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्तार अंसारी के विरुद्ध टांडा के मुकदमे में कमिश्नर दिल्ली ने अप्रूवल नहीं दिया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया था और जो सजा का आदेश था उसको समाप्त कर दिया था। क्या फैसला सुनाने में कोर्ट को जल्दबाजी थी? अब ये कोर्ट पे ही सब कोई
मतलब न्यायिक मामलों में इतना नहीं बोला जा सकता। जल्दीबाजी थी, वो लोग मांग रहे थे कि हमको समय दे दीजिए, उनको भी पता था कि 16 को वहाँ डिसाइड हो जाएगा। अब उसके बाद भी वो चूंकि पहले से तय कर चुके थे कि हम 15 को देंगे, 15 को दे दिए, एक फैसला तो आ गया और वो फैसला उनके सजा का। अब बाकी उस फैसले के आधार पर बहुत सा फैसला तो हमारे मीडिया के साथियों ने इसको जिस तरह से प्रचारित किया वो अपने आप में एक अजीब बात थी। देश में बहुत से ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गाजीपुर में भी बहुत से केस ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली मुख्तार अंसारी के मामले को जो हाईलाइट किया गया तो उसको मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कारण भी मामले को हाईलाइट करने के लिए है। तमाम बयानात आए और लोगों ने उसके लिए खुशी मनाई, वो सब ठीक है, चलिए मुकदमे हैं और मुकदमे जब न्यायालय में, हमें बस इतना संतुष्ट है कि किसी के विरुद्ध जब आरोप हो तो उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में हो और न्याय के मार्ग पर जो उचित हो उसके हिसाब से उसका निस्तारण। लेकिन इस देश में वो लोग खुशी मना रहे हैं जिनको इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं। अब गुड्डू भाई के ऊपर मुकदमा कायम हो जाए दंगा करने का, फसाद करने का, अब गुड्डू भाई अपने मुकदमे का विचारण कोर्ट में नहीं कराएंगे और अफजाल अंसारी पे मुकदमा कायम हो जाए तो डे बाय डे करा देंगे। ये सब जनता भी तो देख रही है, उसको भी तो लग रहा है कि कुछ अधिक हो रहा है, इफरात हो रहा है, देखा जाएगा। अभी तो जो एक बात है कि एक कोर्ट का निर्णय आया है और न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोई टीका टिप्पणी का अवसर नहीं। अगर आपको वो फैसला अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो कमी है, उसको आधार बना के आप ऊपर के न्यायालय में जाइए, आप उस पर टीका टिप्पणी कैसे करेंगे। आपके वकील साहब ने बताया था कि 4 मुकदमे थे जिसमें सब में वो बरी हो गए थे, फिर उसको आगे बढ़ाया गया। देखिए गैंगस्टर अपने आप में पैरों पर खड़ा होने वाला कोई अपराध नहीं, ये किसी दूसरे पैर पे खड़ा होता है। जैसे किसी के विरुद्ध एक मुकदमा है या किसी के विरुद्ध 2-4 मुकदमा है, तो जब गैंगस्टर का मुकदमा कायम होता है तब उसमें लिखा जाता है कि ये आदमी गैंगस्टर एक्ट में इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा कि इसने फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, इन इन घटनाओं में ये अभियुक्त है और इसलिए अभी ये बहुत सिलसिले से घटनाएं कर रहा, इसलिए इसके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ये आधार बना के कर दिया। अब ये सच है कि 4 मुकदमे उसमें के छूट चुके थे और 5वां मुकदमा जो था अभी निर्णय नहीं आया था, ऐसा भी नहीं था कि उसमें वो दोषी पा गए थे। लेकिन अब इस मुकदमे के आने की वजह से हो सकता है उस मुकदमे में भी ये आधार बना लिया जाए, या इसको आधार न भी बनाया जाए तो इस रोशनी में उसके निस्तारण पे सोचा जाए। अब मुख्तार का तो लखनऊ की अदालत में एक धमकी देने के मुकदमे में 7 साल की सजा दी है। आप अगर देखेंगे तो शायद देश में नज़ीर नहीं मिलेगी, 506 के मुकदमे में 7 साल की सजा। उसके बाद एक और कोई उस जगह था, हाँ एक गैंगस्टर का और मुकदमा था वो छूट गया था, तो उसमें अपील में उनको 5 साल की सजा, और एक और कोई कुछ था तो उसमें उनको 3 साल की सजा। तो अब बहुत से लोग परेशान हैं, हम लोगों को भी पकड़ के सड़क पे कह रहे हैं लोग, भैया ये तो 7 साल, 5 12 साल, 3 18 साल, 10 28 साल। हमने कहा नहीं, ये मुकदमों के सज़ा और ट्रायल का ये सिस्टम नहीं है, ये सारी सज़ाएं सब जिस दिन अनाउंस हो गया उस दिन से ही काउंट होने लगती है, और उसमें ये भी काउंट किया जाता है कि इस मुकदमे में कितने दिन पहले वो रह चुका है, उसको भी काउंट कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ वहाँ जो मुकदमे में जिन मुकदमों में सजा हुई है जितने जितने दिन की हुई है उससे ज़्यादा ज़्यादा दिन से उन मुकदमों में वो जेल में है, और यहाँ भी कुछ ना कुछ दिन जरूर रहे होंगे। सांसद जी, जो सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर ये फैसला दिया गया, फैमिली बैकग्राउंड का क्या मतलब आप समझते हैं?
भाई ये उनके सवाल, उनसे आपने क्या सवाल किया था, उनके जवाब क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो, उनके परिवार ये जिक्र है, ये जिक्र है। उन्होंने कहा है कि इसका लाभ नहीं दिया गया। एक मिनट, उन्होंने ये कहा है कि जैसे बताया जाता है कि नहीं आपके घर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उस तरीके का मामला है, और आप मुख्तार अंसारी को बता दें कि इस तरह के आपराधिक बड़े घबराए रहे हैं। देखिए बात ये है कि क्या कहा है और क्यों कहा है, ये तो वही बेहतर जावड़ा है।